में डेडिकेटेड वार्ड भी बनाए गए हैं। तो मेरठ में डेंगू को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है, साथ ही डेंगू के डेडिकेटेड वार्ड भी बनाए जा चुके हैं। पूरे प्रदेश में डेंगू के मरीजों ने हाहाकार मचा रखा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार डेंगू के मरीज आ रहे हैं। हालांकि मेरठ में डेंगू के मरीज कम हैं और आसपास के जिलों के मरीज यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम मेरठ के लाला लाजपत राय हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पर डेंगू के मरीजों के लिए अलग से एक वार्ड बनाया गया है। यहाँ पर जो डेंगू के मरीज हैं उनके ऊपर एक नेट का मच्छर जाली का इंतजाम किया गया है कि मरीज को किसी तरीके का कोई परेशानी ना हो। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है और अलग से यह वार्ड बनाया गया है। यहाँ 20 बेड का यह वार्ड है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है जो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आसपास पानी जमा ना हो और पूरे आस्तीनों के कपड़े पहने इस तरीके की। हमारे साथ जिस डेंगू वार्ड की डॉक्टर हैं स्नेह लता, बातचीत करने के लिए बताएंगे क्या क्या सुविधा दी जा रही है। जी मैम। हाँ देखिए, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज मेरठ में ये 20 बेड का डेंगू वार्ड है और सभी बेड पे मच्छरदानी युक्त हैं और इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है। तो हमारे यहाँ पे सभी जिलों से पेशेंट रेफर होके आते हैं। लगभग सभी पेशेंट डिस्चार्ज होके ही गए हैं हमारे यहाँ पर। और जो है पर्याप्त सुविधाएं हमारे यहाँ हैं, जो उचित इलाज है वो सब पेशेंट को मिल रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो टेस्टिंग की भी सुविधा है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया और जो है स्क्रब टाइफा सभी की टेस्टिंग हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है। और अगर किसी पेशेंट को जो है ऐसी कंडीशन आती है कि प्लेटलेट या ब्लड या FFP ट्रांसफ्यूजन होता है तो वो भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक ब्लड बैंक में अवेलेबल रहता है। मैम, CM योगी ने निर्देश दिया है कि डेडिकेटेड हॉस्पिटल अलग से बनेंगे, उसके लिए क्या सुविधा दी जाती है? कि जो सुविधा मेरे ख्याल से यही सब है, अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको ICU या उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग और अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है हमारे हॉस्पिटल में वो सब है। हमारे यहाँ पे ICU भी है, ट्रॉमा ICU भी है। तो हमारा हॉस्पिटल एक तरह से डेडिकेटेड ही आप मान के चलिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक छत के नीचे मरीज को सभी कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान रखते हर चीज़ें मैनेज होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर स्नेह लता जो बता रही थी कि यहाँ पर एक ही छत के नीचे सारी सुविधा उपलब्ध है। इंडियन न्यूज़ के लिए मेरठ से सलमान हैदर। मेरठ के बाद अब आगरा में भी डेंगू का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जबकि जिले में डेंगू के 14 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं। CM योगी के निर्देश पर आगरा जिला अस्पताल में डेंगू का डेडिकेटेड वार्ड भी बनाया गया है, जहां 10 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें बच्चे महिला और बुजुर्गों के लिए एक अलग से 10-10 वार्ड का एक बेड बनाया गया है। वहीं जिला अस्पताल के CMS का कहना है कि दवा और जांच की पूरी व्यवस्था भी की गई है। डेंगू के डंक से लोग परेशान हैं तो उत्तर प्रदेश के मुखिया CM योगी आदित्यनाथ भी संजीदा है। यही वजह है कि वो लगातार टीम 9 के साथ बैठक कर डेंगू से निपटने के लिए तमाम दिशा निर्देश देते नजर आ रहे हैं। इस समय हम जिला अस्पताल पर हैं, आप देख सकते हैं ये डेंगू वार्ड है और हम आपको पूरा ये व्यवस्था यहाँ की दिखाएंगे, क्या व्यवस्था यहाँ की गई है, जो जिस तरीके से CM योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए। हालांकि ये आप देख सकते हैं ये बच्चों का वार्ड है। अगर यहाँ पर कोई बच्चा डेंगू से पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको यहाँ एडमिट कराया जाएगा। पूरी व्यवस्था यहाँ रखी गई है, 3 बेड यहाँ बनाए गए हैं, डेडिकेट पूरा एक ये प्रांगण बनाया गया है। जिस तरीके से CM योगी आदित्यनाथ लगातार ये संजीदा है और लगातार जो डेंगू से जो पॉजिटिव लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बचाने के लिए पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं लगातार इस पूरी प्रकरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पुरुष और महिला वार्ड है, यहाँ पर ये सारी मच्छरदानियाँ लगा दी गई हैं। ये करीब 7-8 बेड हैं और यहाँ बिछा दिए गए हैं। पूरा अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो इसमें सबसे पहले यहाँ उसको एडमिट कराया जाएगा, उसके बाद आप ये चार्ट मेरे पीछे देख रहे हैं, ये चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से उसको पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये चार्ट पूरा शासन के निर्देश पर यहाँ लगाया गया है, जिस तरीके से पूरे लखनऊ के साथ प्रयागराज में और तमाम शहरों में लगातार जिस तरीके से डेंगू का डंक कहर ढा रहा है, लोग परेशान हैं, उसी के चलते ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अधिकारी भी कहीं ना कहीं तत्पर नजर आ रहे हैं। आपको एक और चीज दिखाएंगे, ट्रांसजेंडर अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके लिए भी एक अलग वार्ड बनाया गया है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं ये ट्रांसजेंडर वार्ड है, इसमें भी 2 बेड अब यहाँ लगाए गए हैं।
ये देख सकते हैं आप, 2 बेड है यहाँ पर। अगर कोई ट्रांजेस्टेंट पॉजिटिव पाया जाता उसके लिए भी यह समुचित व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करने के लिए आगरा का पूरा स्वास्थ्य महकमा तैयार है। यही वजह है कि लगातार यहाँ मॉनिटरिंग CMO करते नजर आ रहे हैं, CMS करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो CM योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश हैं और जो स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के दिशा निर्देश हैं उनका पालन यहाँ कहीं ना कहीं पूरा किया जा रहा है। अगर कोई डेंगू से पॉजिटिव मरीज पाया जाता है तो उसका समुचित इलाज यहां किया जाएगा। आगरा से मनोज चार, इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जहां प्रदेश के सभी जनपदों में डेंगू के कहर को रोकने के लिए और सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला प्रशासन को डेंगू के डेडिकेटेड वार्ड बनाने के आदेश दिए, वहीं रायबरेली में इंडिया न्यूज की टीम ने जिला अस्पताल में बने डेंगू के डेडिकेटेड वार्ड का जायजा भी लिया है। VVIP जिलों में शुमार रायबरेली में डेंगू के मरीजों की संख्या अब सैकड़े के ऊपर हो चुकी है। वहीं अगर प्रशासनिक अमले व जो यहाँ के प्रशासन है उसके द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उसका आज जायजा लेंगे। हम मौजूद है रायबरेली के लिए बनाए गए डेडिकेटेड डेंगू वार्ड में। आइए चलते, मैं आपको डेंगू वार्ड दिखाने का प्रयास करूंगा और आपको ये भी बताना चाहूंगा जो यहाँ पे डेंगू वार्ड बनाए गए हैं वो 2 सेक्शन में बनाए गए हैं, 2 अलग अलग वार्डों में इनको स्थित किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि डेंगू को लेकर सबसे ज्यादा जो प्रशासनिक अमला है वो महत्व दे रहा है, क्योंकि आंकड़ा भले ही सैकड़ा पार हो गया हो पर एक्टिव केसेस की संख्या में अब इजाफा नहीं देखने को मिल रहा है, ये इजाफा अब नीचे की ओर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये डेंगू वार्ड बनाया गया, मैं उन तस्वीरों को आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे लगभग 6 बेड का डेंगू वार्ड यहाँ पे शिफ्ट किया गया है और लगभग यहाँ से 5 बेड का जो डेंगू वार्ड है वो अन्य जगह पर स्थित किया गया है। यहाँ की व्यवस्थाएं आप साफ साफ देख सकते हैं, एक एक बेड में जिस प्रकार की सुविधाएं प्रशासनिक अमला व स्वास्थ्य महकमा जिस प्रकार से दिखा सकता है वो सारी व्यवस्थाएं की गई है, वो चाहे मच्छरदानी हो, वो चाहे साफ सफाई हो। तो हालांकि यहाँ पे कोई भी पेशेंट अभी एडमिट नहीं है पर जिला प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे का साफ साफ कहना है कि उन्होंने पूरी तरह कमर कस लिया है और अब ये आंकड़े बढ़ ज्यादा नहीं रहे हैं और जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो भी अब कम होती हुई नजर आ रही है। तो काफी हद तक राहत वाली खबर है रायबरेली को लेकर, पर डेंगू को लेकर जो CM योगी आदित्यनाथ ने जितने आदेश दिए थे कि डेंगू को लेकर किस प्रकार से डेंगू के मरीजों को लेकर कवायद की जाए, जो उनकी व्यवस्थाएं उसका ध्यान रखा जाए, उसको लेकर रायबरेली का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह सजग देखने को मिला है। और रायबरेली के आंकड़े की बात की जाए तो वो अब 100 पार हो गया है और धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। जो एक तेजी से बढ़ रहा था वो अब काफी हद तक स्लो देखने को मिल रहा है रायबरेली में, हालांकि स्वास्थ्य महकमे पूरी तरह कमर कस चुका है। अखिल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। प्रदेश में एक बार फिर डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके बचाव को लेकर लगातार चिकित्सा विभाग तैयारियां कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को सख्त आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत सभी जिला चिकित्सालय मुख्यालय पर 10 बेड की इमरजेंसी सुविधा हो। गाजियाबाद में डेंगू से निपटने की किस तरह की तैयारी है, सीधा जानकारी के लिए CSC अधीक्षक हमारे साथ मौजूद है। डेंगू से निपटने की तैयारी पूरी कर रहे हैं, हमारे यहाँ की स्थिति अगर हम जानना चाहें तो कैसी है? यहाँ से भी फीवर के केस की सर्विलेंस की जा रही है, आशाओं से भी जानकारी दी जा रही है। अगर आपके क्षेत्र में कोई भी बुखार का मरीज मिलता है तो उसकी जानकारी यहाँ देते हैं, उसकी हम जाँच करवाते हैं और जाँच के बाद अगर जो लोग पॉजिटिव आ रहे जिस एरिया में मिल रहे हैं तो उस पर उसके एरिया में 200 मीटर तक के एरिया में जहाँ पॉजिटिव निकलता है पूरे सर्वे करके आशाओं के माध्यम से उनके घरों के अंदर भी जाके देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में कहीं उन्हें पता हो कि मच्छर पनपने की कोई जगह हो, जो लोगों को नहीं पता होती किन जगहों पर भी मच्छर पनप सकते हैं, जैसे कहीं नमी ज़्यादा रहती हो, काई रहती हो तो वहाँ पर भी इसका डेंगू का मच्छर वहाँ भी पनप जाता है। वैसे साफ पानी का मच्छर होता है तो वो सारी चीज़ें साफ कराई जाती हैं, ऊपर से फिर जिला स्तर पर भी इसकी अलग अलग विभागों से कोऑर्डिनेशन करके वहाँ पर फॉगिंग कराई जाती है, नालियों के किनारे छिड़काव किया जाता है, घरों के अंदर भी छिड़काव किए जाते हैं और वहाँ पर कैंप लगा के वहाँ पर पूरे जितने भी बुखार के मरीज हैं सर्वे करा के जो भी मिलते हैं उन सबकी डेंगू की जाँच कराई जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार में और भी कहीं डेंगू के मरीज हैं, वहाँ पर सी आदेश है कि आपके एरिया में कहीं पर भी कोई चीज़ होती तो पूरी तरीके से वहाँ पर एक्टिविटी सारी सभी विभागों से समन्वय मिला के पूरी एक्टिविटी करके नगर निगम और BDO ऑफिस से और नगर पंचायत से लेकर
ग्राम पंचायत से मिलकर पूरे वहाँ पर एक्टिविटी करके पूरी तरीके से मच्छर का जो मेन सोर्स है, सबसे पहले सोर्स का रिडक्शन करना है, सोर्स खत्म करना है। ट्रीटमेंट और सोर्स खत्म होगा तो वो कम से कम फैलाव रुकेगा, तो हमें सोर्स रिडक्शन पर मेन फोकस करना है। ट्रीटमेंट तो करना ही करना है, लेकिन उसका सोर्स जहाँ भी मच्छर पैदा हो रहा है उस चीज़ को हमें खत्म करना है कि मच्छर पैदा ना पनप ना पाए। जिले में डेंगू से निपटने के लिए मुख्यमंत्री के सिलसिले आदेश है कि हर डिस्ट्रिक्ट पर तैयारियां पूरी कर ली जाए। मैं इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद में और मैं तस्वीरों में दिखा दूँ कि ये बाकायदा बेड लगा दिए गए हैं, पूरी तैयारी जो है यहाँ देखने को मिल रही है। मच्छरदानी भी अवेलेबल करा ली गई है यहाँ, और ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से डेंगू का कोई मरीज क्लियर होता है, पता चलता है कि इसको डेंगू है, जिसकी जांच पॉजिटिव आ जाती है, डेंगू पॉजिटिव आती है, तो वो किसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। मच्छरदानी के अंदर रखने का प्रावधान बताया जा रहा है। जिस तरह की मेरी बात हुई है CMS से, तो उन्होंने बताया है कि डेंगू के जो मरीज हैं, चूंकि मुख्यमंत्री के आदेश हैं, उसकी वजह से यहाँ की जो तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली गई है। प्रदेश में लगातार डेंगू के